Today's we are talking about application of Gauss theorem. So far we have already discussed what is Gauss theorem and what is flux, what is the calculation of flux, formula for flux. We have already two formula for flux. One is closed integral EDS or another one is Q upon epsilon naught. The total charge enclosed and divided by epsilon naught. ठीक है, और हमने गॉस थ्योरम भी पढ़ लिया. गॉस थ्योरम एक क्लोज सरफेस के बारे में बात करता है कि एक क्लोज सरफेस के साथ टोटल कितना फ्लक्स लिंक होगा. ठीक है, और फॉर ए क्लोज सरफेस हमारे पास गॉस थ्योरम से फॉर्मूला है. सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं हम? फॉर क्लोज सरफेस वी हैव फॉर्मूला फॉर फ्लक्स. द फर्स्ट फार्मूला इज क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी एस एंड after the Gauss we merge both the formulas and the magnitude of this flux calculation is just equal to total charge enclosed by the closed surface and this is upon with epsilon naught. ठीक है जी, तो ये जो हमारा flux का calculation बनता है इस formula से, इसका magnitude कितना आता है? इतना ही आता है. इसका calculation Gauss ने दिया, हमने दोनों को combine कर लिया. अब total एक क्लोज सरफेस है हमारे पास, वो किसी भी शेप की हो सकती है. उसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, उसके साथ कुछ फ्लक्स लिंक होगा. उस फ्लक्स लिंकेज का हमारे पास ये दो फार्मूला है. हमने दोनों फार्मूले गॉस थ्योरम से कंबाइन कर लिए तो हमने देखा इसमें चार क्वांटिटी इन्वॉल्व हो गई. कितनी गिनिए, कौन सा? एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है एरिया, डी एस इज स्मॉल एरिया, और एक है टोटल चार्ज जो कि उस क्लोज सरफेस के अंदर का ही चार्ज है टोटल, और चौथी क्वांटिटी कौन सी है? एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. ठीक है, अब इसमें कुल चार क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है. आउट ऑफ दीज फोर अगर हमको तीन क्वांटिटी नोन हो जाएं, पता चल जाएं, तो चौथी हम निकाल लेंगे. और यही इस एप्लीकेशन का एडवांटेज है, यही इसका एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का. ठीक है, हम क्या चालाकी करते हैं कि इन चार क्वांटिटी में से तीन को क्या बना लेते हैं? नोन. ठीक है, और चौथी अपने आप मिल जाती है. तीन कौन कौन से नोन बनाएंगे? एक तो ये ऑलरेडी नोन है, 8.85 10 टू द पावर माइनस 12 है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की. क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? इनक्लोज चार्ज अंदर में बॉडी के, वो चार्ज हम नाप लेंगे कोई ना कोई टेक्निक लगा के, कैलकुलेट कर लेंगे. तो क्यू को भी हम क्या बनाएंगे? नोन. ये और ये क्या चीज़ है? एरिया. एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे, छोटे छोटे एरिया लेके उसको इंटीग्रेट करेंगे. लेकिन इसको 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 नोन बना करके इसको हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे. लेकिन इसमें टेक्निकली एक प्रॉब्लम आता है. छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि इंटीग्रेशन के अंदर ये दोनों पार्टी फंसते हैं, है ना, और दो वैल्यू का इंटीग्रेशन आपको नहीं आता क्योंकि आप लोग बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं, है ना. तो दो वैल्यू के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन आपको नहीं आता, तो आपको क्या आता है? सिंगल वैल्यू का इंटीग्रेशन करना. तो हम ये चाहते हैं कि इसमें से एक पार्टी कहाँ चली जाए? इंटीग्रेशन के बाहर. और बाहर वही जाता है जो क्या होता है? कांस्टेंट. तो एक को हमको क्या बनाना पड़ता है? कांस्टेंट. ठीक है, इसके लिए रोल प्ले करता है गॉसियन सरफेस. क्या रोल प्ले करता है? हाँ, गॉसियन सरफेस, हमारी बात हो चुकी है इस पर पहले भी. ये एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस है, रियल हो मत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक सरफेस इमेजिन कर लेते हैं. एक ऐसी सरफेस जिसकी पूरे सरफेस पर ई कैसा हो जाए? कांस्टेंट. ठीक है, और थीटा भी कैसा हो जाए? क्योंकि अल्टीमेटली अगले स्टेप में इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखना है? तो एक्चुअल में ये तीन क्वांटिटी है, ये तो एंगल है दो ही क्वांटिटी एंड दिस, तो ये हमारी बेसिक क्वांटिटी है ना. अब इसमें देखो, एक्चुअल में इसके अंदर तीन क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड में. एक तो ये तुम्हारा एंगल आता है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और तीसरा ये डी एस आता है, एरिया. ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं? देखो, है ये तीन ठो क्वांटिटी, हमको सिर्फ एक क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करना आता है. दो क्वांटिटी का भी हम नहीं कर सकते, तीन का तो कर ही नहीं सकते. दो का नहीं कर पा रहे, तीन का कैसे करेंगे? आप नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूँ और मैथ्स का टीचर भी हूँ मैं. ठीक है, ओके, तो हमको नहीं आता, हमको सिंगल क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करना आता है. तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ई और थीटा, इसको क्या करना पड़ेगा? बाहर. कॉन्स्टेंट बनेगा तभी इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा. कॉन्स्टेंट बनाने के लिए हमको एक सरफेस की ज़रूरत है और वो सरफेस है गॉसियन सरफेस. यहाँ पर गॉसियन सरफेस अपना रोल प्ले करती है, ध्यान से समझिएगा. कौन सी सरफेस? गॉसियन सरफेस. Q
क्यों आ रही है समझ आ रहा है? क्योंकि टारगेट क्या है, ई और कॉस थीटा को क्या बनाना, कॉन्स्टेंट, ताकि वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाए और सिर्फ इंटीग्रेशन किसका बचे, ds का, और एक क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करना हमको आता है, इजिली हम इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन, सारे छोटे छोटे एरिया जोड़ देंगे, जो भी वो सरफेस होगी टोटल एरिया बन जाएगा उस सरफेस का, और वो हमको आता है, ठीक है। तो अब हमको e और थीटा कांस्टेंट बनाना है, और उसके लिए हमको एक सरफेस चाहिए, ऐसी सरफेस जिसके पूरी बॉडी पर, पूरी सरफेस पर, हर पॉइंट पर e एक जैसा हो जाए, थीटा एक जैसा हो जाए। एक जैसा हो गया तो क्या बोलेंगे, कांस्टेंट हो गया, तो उसको हम क्या करेंगे, e और थीटा अगर उस एक सरफेस के लिए कांस्टेंट हो गया, हर जगह e की वैल्यू सेम, हर जगह थीटा की वैल्यू सेम, तो इन दोनों को हम कांस्टेंट बना के चुपचाप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, और अंदर सिर्फ क्या बचेगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds, इंटीग्रेट कर देंगे, ये कैलकुलेट हो जाएगा। समझ आया? अच्छा, अब ये तो हुआ, लेकिन ये सब संभव कब होगा, जब आपको क्या मिले, गॉसियन सरफेस, ऐसी सरफेस आप इमेजिन कर लो तब। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा प्रॉब्लम ये होता है कि कोई ऐसी एक सरफेस आप इमेजिन कर पाओ, हर बार ज़रूरी नहीं है, हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है कि आपको ई की और थीटा की सिमेट्री मिले, हर बार ई और थीटा एक जैसा मिले। अलग अलग शेप की भी तो गॉसियन सरफेस हो सकती है, जैसे सिलेंड्रिकल शेप हो गया, स्फेरिकल शेप आप सोचोगे तो हर जगह तो ई और थीटा सेम हो जाएगा, क्योंकि स्पीयर के सेंटर पे चार्ज रखिए और स्पीयर का हर सरफेस, हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पर होता है, आर पूरी फुटबॉल का, तो जब आर सेम होगा तो ई भी सेम हो जाएगा, क्योंकि ई का फॉर्मूला ही होता है क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर नहीं बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बदलेगा, तो ई की सिमेट्री तो मिल जाएगी, और थीटा भी हर जगह सेम होता है स्फीयर के लिए, हम अभी आते हैं इस पर, थीटा भी हर जगह सेम होगा। तो अगर सिंगल एक सरफेस आप इमेजिन कर पा रहे हो जिसकी पूरी सरफेस पर ई और थीटा सिमेट्रिकल रहें, सेम रहें, तब तो वो बढ़िया सुंदर सा गॉसियन सरफेस है, बड़ी इजी से हम उस पर एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ई और थीटा को कांस्टेंट बना के यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन ऐसी सिचुएशन भी आएगी जब हम ऐसी सरफेस इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि जिसके थ्रू आउट द सरफेस हर पॉइंट पर ई और थीटा सेम हो, तो फिर जब आप ई और थीटा हर जगह सेम नहीं बना पाएंगे तो क्या करेंगे, उस क्लोज बॉडी के टुकड़े करने शुरू करेंगे, और ऐसे ऐसे पार्ट बनाएंगे कि एक पार्ट पर कम से कम ई और थीटा सेम हो जाए, एक एक पार्ट पे, ठीक है जी। जैसे मैं वो आपको क्यूब दिखाता था, ये वाला, जैसे ये क्लोज सरफेस है, अब मैं पूरी सरफेस पर ई और थीटा एक जैसा नहीं बना सकता, तो मैं क्या करूँगा, इसके छह टुकड़े कर लूँगा, एक टुकड़ा ये वाला सरफेस, इस सरफेस पर ई और थीटा एक जैसा रहेगा, लेकिन थ्रू आउट द सरफेस एक जैसा रहेगा, हर जगह ई और थीटा सेम, इस सरफेस पर ई और थीटा हर जगह सेम, लेकिन इसका ई और थीटा और इसका ई और थीटा अलग अलग, यहाँ अलग यहाँ अलग, इसलिए इसका कैलकुलेशन मैं इसके साथ नहीं कर सकता, ठीक है। तो पूरी बॉडी के हम पार्ट कर लेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, चार पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, छह पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और क्या, और हर सरफेस का कैलकुलेशन हम अलग अलग कर लेंगे। हमारा टारगेट क्या है, ई और थीटा सेम बनाना। अगर एक सरफेस इमेजिन हो जाती है पूरे सरफेस पर ई थीटा सेम है, तब तो बल्ले बल्ले है ना, और हम नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं एक सरफेस, तो चलिए उस क्लोज सरफेस के पार्ट कर लेंगे, एक एक पार्ट ऐसा बनाएंगे कि उस एक पार्ट पे एटलीस्ट ई और थीटा सेम हो जाए, तो उस पार्ट का, उस सरफेस का कैलकुलेशन अलग होगा फ्लक्स का, दूसरे पार्ट का कैलकुलेशन अलग होगा फ्लक्स का, उस पार्ट के लिए, उस सरफेस के लिए ई और थीटा सेम रहेगा। तो उस सरफेस के लिए अगर ई और थीटा सेम हो गया तो हम ई और थीटा को इंटीग्रेशन से बाहर ले जाएंगे उस सरफेस के कैलकुलेशन में, वहाँ के फ्लक्स के कैलकुलेशन में, ई डी एस के कैलकुलेशन में, ई थीटा बाहर हो जाएगा। समझ आ रहा? तो हम इसके टुकड़े टुकड़े करके पार्ट बाय पार्ट फ्लक्स का कैलकुलेशन कर लेंगे इसमें। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो ये सब कब संभव है, जब आपको ये सरफेस मिले, और इस सरफेस को क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। समझ आया? गॉसियन सरफेस प्योरली किस पर काम करता है, सिमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सिमेट्री ऑफ द थीटा। तो गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस, एट एवरी पॉइंट ऑफ विच वैल्यू ऑफ ई एंड थीटा विल बी सेम। थीटा और ई की वैल्यू हर जगह पर कैसी होती है, उस सरफेस में सेम होती है। अगर सेम हो गई तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए, ई को और कॉस थीटा को, थीटा सेम, ई सेम, कांस्टेंट, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, बाहर निकाल सकता हूँ। तो मेरा ये ई
और ये cos थीटा ये बाहर आ जाएगा, और क्लोज्ड इंटीग्रेशन सिर्फ किसका करना पड़ेगा, ds का, और बस यही हमको करना है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर चले गए कांस्टेंट बनके, इंटीग्रेशन सिर्फ इसका करना है। अब इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ सिंगल क्वांटिटी है जिसको हमको आता है, जो हमको आता है इंटीग्रेट करना, ठीक है जी। तो ये इसमें हम लोग चालाकी करते हैं, ठीक है जी। सो गॉसियन सरफेस एक ऐसी सरफेस है जहाँ पर ई और थीटा की सिमेट्री होती है, सिमेट्री ऑफ ई, सिमेट्री ऑफ थीटा। अगर हम एक सरफेस इमेजिन नहीं कर पाए तो क्या करना है जी, बोलिए। उस क्लोज सरफेस के पार्ट कर लेंगे और एक एक पार्ट का कैलकुलेशन अलग अलग करेंगे, ठीक है, ये क्लियर है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर हम ज़्यादा आप फोकस नहीं करेंगे ना, ये हो गया। ओके, अब हमको काम करना है, काम कैसे करेंगे। काम करने का तरीका ये है कि देखो भैया कैठो क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है, तीन चार, थीटा और ई तो साथ ही में कैलकुलेट हो जाएंगे, तो उसको एक ही क्वांटिटी मानो। अब 1, 2, 3, 4 चार क्वांटिटी आई, क्यू आप नाप लोगे कुछ भी टेक्निक लगा के, एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी गिवन है, ये आप मेज़र करोगे इस टेक्निक से, ई और थीटा को सेम बना के बाहर निकाल के इसका इंटीग्रेशन करोगे, सो दिस इज अगेन मेजरेबल क्वांटिटी, मेजर्ड हो जाएगा। तो आपने डी एस नाप लिया, क्यू नाप लिया, एप्सिलॉन नाप लिया, बचा क्या, ई, ई बचा, बाकी सारी क्वांटिटी उधर भेज दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। यही है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन यानी ये फॉर्मूला लगा करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है निकाल सकता हूँ, ठीक है। और गॉस थ्योरम का यूज़ करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है वो सबसे सिंपल स्टेप्स होता है, सबसे ईजी मैथड होता है। इससे पहले भी आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हो अलग अलग मैथड से, ठीक है जी, लेकिन वो थोड़ा सा पेचीदा है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको याद करनी पड़ती है। लेकिन गॉस थ्योरम के लिए हम आपको चार स्टेप बताते हैं, वही चार स्टेप आप जिसमें पाओ उसमें लगा दो और उसी चार स्टेप में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता है, ठीक है। तो इस पर काम कैसे करना है उसके लिए आपको क्या करना है, चार स्टेप याद रखने हैं, ठीक है। ये स्टेप्स आपके एग्ज़ाम में आने वाले स्टेप्स नहीं है कि आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन गॉस थ्योरम, नहीं पूछा जाएगा। ये स्टेप्स आपके नॉलेज के लिए है ताकि आप प्रॉब्लम्स बना सकें, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप ये चार स्टेप वहाँ लगा करके उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो काम कैसे करना है गॉस थ्योरम में, नोट कीजिए, स्टेप्स इन्वॉल्व इन गॉस थ्योरम। ठीक, पहला स्टेप, सबसे पहला तो आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि वहाँ एक सरफेस लाई है जहाँ ई और थीटा की सिमेट्री मिले, तो आपको क्या इमेजिन करना है, एक गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो सबसे पहला काम रहेगा आपका, कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, ठीक है। उसके बाद जब आप ये गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लो तो आपको इसका शेप, साइज, क्या डिज़ाइन है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डिफाइन करो कि भैया कौन सा शेप का आपने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया है, स्फेरिकल इमेजिन किया है, सिलेंडर इमेजिन किया है, क्यूबॉइड इमेजिन किया है, क्यूब इमेजिन किया है, कौन सा सरफेस आपने इमेजिन किया है, उस गॉसियन सरफेस को डिफाइन करोगे। तो आप क्या डिफाइन करोगे, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मतलब शेप, साइज, डिज़ाइन, ठीक है, ये एक्सप्लेन करोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऐसी सरफेस इमेजिन करनी जहाँ ई और थीटा क्या हो, सेम, तो आपको उस सरफेस पर ई और थीटा डिफाइन करना पड़ेगा कि कहाँ पर कैसा है। अगर सिंगल सरफेस इमेजिन कर रहे हो तो एक ही बार ई और थीटा डिफाइन करके बता दोगे कि पूरी सरफेस के लिए ई इतना है या ऐसा है और थीटा इतना है। लेकिन अगर आपको ब्रेक करना पड़ रहा है उसको, अलग अलग फेस बनाने पड़ रहे हैं, तो आपको हर फेस के लिए ई और थीटा डिफाइन करना पड़ेगा पहले स्टेप में, कि इस सरफेस, जैसे मैं सिलेंडरकल अगर गॉसियन सरफेस इमेजिन करता हूँ तो दो फ्लैट सरफेस पर ई और थीटा ऐसा है, कर्व सरफेस पर ई और थीटा ऐसा है, दो सरफेस पे बता दिया हमने। यानी जितने भी सरफेस में आप उसको ब्रेक करोगे उसमें आपको ई और थीटा की सिमेट्री एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, इसी में डिफाइन सिमेट्री ऑफ ई एंड थीटा बिटवीन ई एंड ए, याद है थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर, उनके बीच के एंगल को आपको डिफाइन करना पड़ेगा और हर जगह ई को डिफाइन करना पड़ेगा फॉर ईच फेस या फॉर डिफरेंट सरफेस, अगर एक से ज़्यादा सरफेस हुए तो, अदरवाइज एक ही सरफेस इमेजिन हो रहा है तो एक ही बार डिफाइन करना है, हो गया। तो ये पहला स्टेप रहेगा, गॉसियन सरफेस इमेजिन करो, वहाँ पर ई और थीटा की सिमेट्री डिफाइन करो और गॉसियन सरफेस को भी इलाबोरेट करो कि कौन सा सरफेस है, कितना उसका रेडियस है, क्या नहीं है,
कितना उसका डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में हम आ जाते हैं फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में दो पार्ट हैं, दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड पार्ट एंड दिस इज राइट हैंड साइड। कोई भी पहला ले लो, इसी को ले लेते हैं। पहले हम सॉल्व करेंगे LHS। व्हाट इज़ LHS? कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स। ये तो पहले ही कर चुके हैं आप, EDS cos थीटा, फ्लक्स निकालना। तो हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, कैलकुलेट फ्लक्स, और ये क्या है, LHS। तो इसको आप LHS भी लिख सकते हो, LHS। और ये क्या चीज़ आपको कैलकुलेट करना है, क्लोज्ड इंटीग्रल EDS, ये आपको सॉल्व करना है इस पार्ट को, यानी फ्लक्स को कैलकुलेट करना है कि उस क्लोज सरफेस के साथ टोटल कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। हो गया LHS सॉल्व। अब उसके बाद आप राइट फेस में आओगे। राइट में ये तो ऑलरेडी नोन रहता है, सिर्फ क्या निकालना है हमको कि क्लोज सरफेस ने टोटल कितना चार्ज इनक्लोज किया है। तो थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो आप RHS सॉल्व करोगे, और RHS क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है, ये जिसको हम Q से दिखाएंगे। टोटल चार्ज, कितना चार्ज एक क्लोज बॉडी के अंदर आ रहा है, टोटल चार्ज याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने LHS भी निकाल लिया, RHS भी निकाल लिया, अब क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो सिंपली हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, अप्लाई गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल EDS, ठीक है, दिस इज इक्वल टू इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला लगाए और इसमें जो जो वैल्यू हम निकाले हैं LHS की और Q की पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यूज, और मैंने आपको बताया कि E क्या हो चुका होगा, ऐसे बाहर निकल चुका होगा कॉन्स्टेंट बन के, और बाकी सारी चीज़ उधर भेज देंगे, और E क्या हो जाएगा, कैलकुलेट। तो क्या कैलकुलेट करना है, E, ठीक है। तो ये चार स्टेप्स हम हर जगह लगाएंगे गॉस थ्योरम के, और कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमको दे उसकी वजह से हम कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है जी। हो गया ये, तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेकर के, और एक एक करके चलते जाते हैं। हमको तीन ही पढ़ना है अभी आपके 2021-22 सिलेबस के लिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और एक प्लेन चार्ज शीट के लिए इन्फिनिटली लॉन्ग, ठीक है। शेल और नॉन कंडक्टिंग शेल यानी स्फीयर इस बार नहीं है सिलेबस में, ठीक है। तो ये मैं रब कर दूँ, आपने नोट कर लिया। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, यहाँ पर क्या इमेजिन करना, गॉसियन सरफेस। कैसी सरफेस यहाँ पर हम इमेजिन करें, सोच के देखिए। अगर मैं यहाँ पर एक स्फीयर इमेजिन कर लेता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से अगर ये स्फीयर ऐसे मैं इमेजिन कर लेता हूँ, आर डिस्टेंस आर डिस्टेंस आर डिस्टेंस आर डिस्टेंस, ठीक है, तो क्या होगा, होगा ये कि हम ये जानते हैं कि एक लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, कैसे निकलता है, आपको याद है हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डिज़ाइन कैसे निकलता है, हेयर ब्रश जैसे ऐसे, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी आपकी तरफ ऐसे, हर जगह से ऐसे, जैसे हेयर ब्रश नहीं होता गोल वाला कंघी करने वाला, ऐसे घुमा घुमा के आप लोग कंघी करते हो, हेयर ब्रश की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ भी हर चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वैसी ही होगी। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दिखाऊं, तो देखिए यहाँ डायरेक्शन ऐसी, यहाँ ऐसी, यहाँ ऐसी, ये ऐसा, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर भी वैसे ही होगा, ये, और इधर भी ऐसे ही निकलेगा ये, क्योंकि ये तो फुटबॉल है गॉसियन सरफेस, पीछे भी ऐसे ही जाएगा। अब इसमें प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या हो रहा है देखिए ना, अगर मैं यहाँ पर गॉसियन सरफेस के इस पॉइंट पर देखूँ तो डिस्टेंस ये है, दिख रहा है डिस्टेंस छोटा सा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूँ तो यहाँ का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है यहाँ का ई और यहाँ का ई अलग अलग होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस कैसा है, और ज़्यादा। तो यहाँ ई, यहाँ ई, यहाँ ई, अलग अलग, हर जगह आप देखो कहीं डिस्टेंस छोटा बड़ा, बड़ा बड़ा, छोटा छोटा, छोटा छोटा छोटा, तो ई भी कैसा हो जाएगा, छोटा बड़ा। तो क्या ई की सिमेट्री मिली, नहीं मिले। दूसरा चीज़ देखो, इफ़ यहाँ पे सरफेस ये है तो इसका नॉर्मल ये आएगा एरिया वेक्टर, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस इज़ द एंगल थीटा हियर, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये सरफेस है, ये इसका एरिया वेक्टर है, और दोनों के बीच का एंगल आपको दिख ही रहा है। यहाँ पर सरफेस ऐसे घूम गई,
तो यहाँ का एरिया वेक्टर भी ऐसा हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दिस इज द एंगल थीटा, थीटा देख रहे हो क्या सेम है हर जगह, नहीं है। तो ना तो थीटा की सिमेट्री मिलेगी और ना ई की सिमेट्री मिलेगी, यानी ये सरफेस गॉसियन सरफेस होने के लायक नहीं है, तो आपको दूसरी सरफेस इमेजिन करनी पड़ेगी। तो हम फिर दूसरी सरफेस सोचते हैं, और ये सरफेस कैसा दिखता है देखिए, ओके ये है, और ये P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है r डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर ना हम एक ऐसी सरफेस इमेजिन करते हैं, और सरफेस इमेजिन करने के पीछे कारण ये है कि मैं E और थीटा पूरी सरफेस पर सेम हो ऐसी कोई एक सरफेस नहीं सोच पा रहा, तो मुझे फिर ऐसी सरफेस सोचनी चाहिए कि चलो एक जगह सिमेट्री नहीं मिलती तो दो टाइप की मिल जाए, दो सरफेस मिल जाए, तीन सरफेस मिल जाए, है ना, क्योंकि स्पीयर तो एक सरफेस वाला है, वहाँ वो नहीं जम रहा है यहाँ पे। तो हम ना यहाँ पे एक सिलेंडर इमेजिन करते हैं, क्या, और सिलेंडर भी कैसा, को एक्सियल सिलेंडर। को एक्सियल का मतलब है सिलेंडर का एक्सिस इसी लाइन पर होना चाहिए, ये वाली एक्सिस और सिलेंडर का एक्सिस सेम हो, उसको को एक्सियल बोलते हैं। तो हमने एक सिलेंडर इमेजिन किया, देखिए ना ये r डिस्टेंस है, इधर भी r डिस्टेंस ले लो ये, और इधर भी r डिस्टेंस, पीछे भी r डिस्टेंस, सिलेंडर का रेडियस भी होता है। तो r रेडियस का हमने एक सिलेंडर इमेजिन किया, ये यहाँ से ये और यहाँ से ये, ठीक है, ठीक है, बन गया सिलेंडर। हो गया, हो गया। तो हमने सरफेस कैसी इमेजिन की, को एक्सियल सिलेंडर। आप इसकी खासियत देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप जान रहे हो ना, ये हर जगह ऐसा, और इधर भी वैसे ही, ठीक है, ठीक है। ये वाला जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस पर किसी भी जगह एरिया वेक्टर बनाइए, कहीं पर भी अगर मैं सरफेस लेता हूँ, जैसे ये सरफेस लिया, तो इसका एरिया वेक्टर यही बनेगा, और थीटा कितना मिला इनके बीच, जीरो। यहाँ पर अगर मैं सरफेस लेता हूँ तो इसका एरिया वेक्टर ये, और दोनों के बीच का एंगल कितना, जीरो। कहीं पर भी लीजिए थ्रू आउट द कर्व सरफेस, एरिया वेक्टर नॉर्मल रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहीं से बाहर निकल रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, जीरो डिग्री। समझ आया? तो इस पूरे कर्व सरफेस के लिए ई कैसा हो गया, ई सेम है, क्यों, क्योंकि पूरा कर्व सरफेस आर डिस्टेंस आर डिस्टेंस आर डिस्टेंस आर डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर है। आ रहा है समझ भैया? इसका एक्सिस ये तार ही बन गई, को एक्सिस हो गया ये, तो एक्सिस से सिलेंडर तक का डिस्टेंस ही रेडियस कहलाता है ना, सिलेंडर के सरफेस तक का डिस्टेंस इमेजिन हो रहा है। तो ये डिस्टेंस हर जगह कैसा हो गया, सेम हो गया, इसलिए पूरी कर्व सरफेस पर ई कैसा हो गया, सेम। फ्लैट सरफेस पर ई कैसा रहेगा, कोई टच ही नहीं कर रहा तो ई का तो कोई लेना देना नहीं है, कोई फ्लक्स नहीं बन रहा नीचे वाले फ्लैट सरफेस पर भी, ऊपर का फ्लैट सरफेस ऐसा है, ई ऐसा चला जा रहा है, ऐसा चला जा रहा है, इसके साथ तो टच ही नहीं हो रहा फ्लैट सरफेस के साथ, समझ रहे? ऊपर का थीटा कितना है, अगर मैं इस फ्लैट सरफेस पर एरिया वेक्टर बनाऊं वैसे, जो कि सरफेस पर 90 डिग्री हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई, थीटा कितना, 90 डिग्री। सिमिलरली नीचे भी अगर आप एरिया वेक्टर बनाओगे तो आपको एंगल कितना मिलेगा, 90 डिग्री। तो फ्लैट सरफेस पर थीटा कितना है, 90, फ्लक्स इज जीरो। जब 90 होता है थीटा तो फ्लक्स कितना लिंक होता है, जीरो। तो उसका तो कैलकुलेशन ही नहीं करना, क्या मतलब, फ्लक्स सिर्फ किसकी वजह से लिंक होगा,
कर्व सरफेस की वजह से, और पूरे कर्व सरफेस पर ई और थीटा की सिमेट्री मिलती है, इसलिए इसको हम क्या कंसिडर कर ले, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो पहला स्टेप आप नोट करेंगे, कंसिडर ए गॉसियन सरफेस इन ए शेप ऑफ कोएक्सियल सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, कोएक्सियल सिलेंडर ऑफ रेडियस आर सच दैट पॉइंट पी लाइज ऑन सरफेस। ठीक है, यही हमारा शर्त है, पी कहाँ फंसना चाहिए, गॉसियन सरफेस पर, हो गया। अब थीटा और ई की सिमेट्री, थीटा एट एवरी पॉइंट ऑन कर्व सरफेस, या सॉरी ई एट एवरी पॉइंट ऑन कर्व सरफेस इज सेम थीटा बिटवीन ई एंड ए इज ज़ीरो। ठीक है, ई एट एवरी पॉइंट ऑन कर्व सरफेस इज सेम एंड थीटा बिटवीन ई एंड ए इज ज़ीरो एट द कर्व सरफेस। फ्लैट पर की तो बात ही नहीं हो, तो ऑलरेडी ज़ीरो ज़ीरो है, वहाँ का फ्लक्स भी हमको नहीं निकालना, तो उसको मैं डिफाइन नहीं कर रहा। हो गया, पहला पॉइंट हो गया पूरा। सेकंड पॉइंट क्या करते थे अपन, LHS निकालते थे, टोटल फ्लक्स। बताओ, क्लोज्ड इंटीग्रल EDS और इसका मैग्नीट्यूड होता है EDS cos थीटा। हाँ जी, E और थीटा सेम है कर्व सरफेस के लिए, ये सिर्फ किसके लिए है, कर्व सरफेस के लिए। हम चाहें तो फ्लैट का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ ऐड करके फ्लैट के लिए लिखोगे EDS और दूसरे फ्लैट के लिए भी लिखोगे EDS, लेकिन वो तो ज़ीरो ज़ीरो है, EDS cos थीटा, EDS cos थीटा वो ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ ना विधिवत, EDS फॉर कर्व प्लस फ्लैट वन EDS प्लस इंटीग्रेशन फॉर फ्लैट टू EDS। ठीक है, तीनों सरफेस का हो गया, फ्लैट वन ऊपर वाला, फ्लैट टू नीचे वाला और कर्व सरफेस। अब तीनों को कैलकुलेट करते हैं, मैग्नीट्यूड रखिए, EDS cos 0 कर्व सरफेस के लिए। ठीक है, एंगल 0 है ना कर्व सरफेस पर, ये वाला इसका मैग्नीट्यूड EDS cos थीटा होता है ना, EDS cos 0 रख दिया फ्लैट कर्व सरफेस के लिए, प्लस फ्लैट के लिए EDS cos 90 दूसरे फ्लैट के लिए, ये फ्लैट वन, ये है आपका फ्लैट वन और ये फ्लैट टू, ये भी होगा EDS cos 90, cos 90 ज़ीरो होता है, ये पूरा ज़ीरो, ये पूरा ज़ीरो, तो उसका तो रोल ही ख़त्म, सिर्फ कौन बचा, ये cos 0 1, सिर्फ E पूरे सरफेस पर कांस्टेंट है, E बाहर हो गया। DS का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर, क्या होता है कर्व सरफेस का फॉर्मूला, 2πRh, व्हाट इज h, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो मैं इस सिलेंडर का कुछ हाइट इमेजिन कर लेता हूँ, लेट अस सपोज द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h, ये h हाइट का सिलेंडर है, तो हमारा कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या आएगा, ये कर्व सरफेस ds पूरा जुड़ेगा, तो टोटल कर्व सरफेस क्या बनेगा, 2πRh, ये आया मेरा क्या, LHS। उसके बाद आप तीसरा पॉइंट क्या निकालते हो, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। हाँ जी बताइए, कितना चार्ज इनक्लोज दिख रहा है आपको, ये एक लाइन चार्ज है और इन्फिनिटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, तो आपको इसमें कितना लंबा तार है, कितना लंबा इसमें चार्ज होगा, कोई मतलब नहीं, हम कौन सा चार्ज कंसीडर करते हैं, क्लोज सरफेस के अंदर वाला। क्लोज सरफेस के अंदर में क्या ये चार्जेस आएंगे, क्या क्लोज सरफेस के अंदर ये चार्जेस हैं, नहीं, तो क्या इस लाइन चार्ज का कैलकुलेशन, इस लाइन चार्ज का कैलकुलेशन हमको करना है, नहीं करना, हमको कौन से चार्ज कंसीडर करने हैं जो क्लोज सरफेस के अंदर हो, क्लोज सरफेस के अंदर कौन से चार्जेस हैं, ये वाले, ये इतना सा तार सिर्फ सिलेंडर के अंदर फंसता है, तो इस तार में जितने चार्ज होंगे सिर्फ उसी की काउंटिंग होगी, समझ आया,
अब ये कितना चार्ज होगा? एच लैम्डा, वेरी गुड। क्यों? लैम्डा क्या माने थे? एक मीटर तार में जो चार्ज है, तो वन मीटर तार में जितना चार्ज है उसको बोलते हैं वन लैम्डा, हमको मालूम है। तो इस तार की लंबाई कितनी है? जितनी सिलेंडर की लंबाई। तो वन मीटर में कितना चार्ज? लैम्डा। तो एच मीटर तार में कितना चार्ज? एच लैम्डा। आ रहा है समझ? सो दिस इज वॉट एच लैम्डा। अब चौथा स्टेप क्या करना है आपको? अप्लाई गॉस थ्योरम, और ये है क्लोज्ड इंटीग्रल EDS, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पुटिंग द वैल्यूज एंड फाइंड द रिजल्ट। हो गया? इधर मैं मिटा दूं ये वाला पोर्शन कहीं पर, यहाँ जगह नीचे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ ना, ये जगह ले लेते हैं यहाँ से। हाँ बताइए, क्लोज इंटीग्रल EDS की वैल्यू 2 इंटू 2 पाई आर एच, ई इंटू 2 पाई आर एच, सो दिस इज ई इंटू 2 पाई आर एच। क्यू की वैल्यू, टोटल चार्ज इन क्लोज, एच लैम्डा, सो दिस इज एच लैम्डा अपॉन, दोनों तरफ से एच कैंसिल हो गया, 2 पाई आर को हम नीचे भेज दिए, तो ये क्या बना? ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। हो गया? ये हमारा फॉर्मूला बन गया। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। हम ये जान रहे हैं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम कांस्टेंट, तो मैं इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना सकता हूँ। क्या मल्टीप्लाई करके? 2। तो 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे क्या बन जाएगा? ये तो 4 हो गया, पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में ले लिए, आर बचा, तो ये नीचे आर आ गया, और ऊपर 2 और मल्टीप्लाई करोगे, नीचे मल्टीप्लाई किए हो तो ऊपर कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा। तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है, क्योंकि ये कूलम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अपन जानते हैं, ये ज़्यादा आसान है। नहीं तो फिर आपको 2 भी रखना पड़ेगा, पाई की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, एप्सिलॉन की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, तो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा अगर न्यूमेरिकल आ गया तो। समझ रहे हैं? इसलिए इसको ईजी बना लेते हैं, क्योंकि इस पूरे का नंबर हम जानते हैं कितना होता है, 9 × 10⁻⁹, तो इसकी वैल्यू अपन जान रहे हैं, बस 2 लैम्डा और आर पुट करके इसको सॉल्व करना होता है। सो दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला। हो गया? आया समझ में? तो इसके ये दो एप्लीकेशन हो गए हमारे, इजी हैं, वही 4 स्टेप हर जगह लगते हैं, ठीक है, और आपको इसको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है जी। एक हमको और करना है प्लेन शीट के लिए, तो वो हम फिर अगली क्लास में करेंगे, इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, तो ये आप नोट कर लें अच्छे से। थर्ड एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, और आज का हमारा एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट चार्ज, इन्फिनिटली लॉन्ग प्लेन शीट चार्ज। तो हमारे पास एक शीट ऑफ चार्ज है, बहुत लंबी चौड़ी है, प्लेन शीट, जैसे ये बोर्ड है ऐसे बहुत ऊंचा होगा, ठीक है। इसको हमने चार्ज दे दिया, चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यहाँ से इस पेपर शीट से थोड़े से डिस्टेंस दूर, सपोज ये कुछ डिस्टेंस है, डिस्टेंस आर, यहाँ पर ये पॉइंट पी है, तो इस चार्ज शीट की वजह से इस पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ये हमको निकालना है, ठीक है। समझ आया? ऑलरेडी हम 2 एप्लीकेशन कर चुके हैं, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ओके, ये शीट बहुत बड़ा है, दिखाने के लिए हम इसको छोटा बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो हमको यहाँ पर आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और हमारा मेथड क्या है बनाने का? गॉस थ्योरम के 4 स्टेप, चारों स्टेप जैसे हमने इसके पहले कंटिन्यू लगाया है, अभी भी हम वही 4 स्टेप पर काम करेंगे। पहला स्टेप क्या बोलता है गॉस थ्योरम का? आपको एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करनी है, जिसके हर पॉइंट पर क्या हो, ई और थीटा की सिमेट्री हो, यानी एक जैसे हो। अगर आप एक सरफेस इमेजिन नहीं कर पा रहे जहाँ पर ई और थीटा एक जैसा है पूरा, तो आप ऐसे 2 सरफेस बना लीजिए, उसके टुकड़े कर लीजिए, उसी सिंगल क्लोज सरफेस के 2 अलग अलग हिस्से कर लो, 3 हिस्से कर लो, 4 हिस्से कर लो, ई और थीटा की सिमेट्री आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो पहला हम गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे जहाँ ई और थीटा की सिमेट्री बताते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? सेकंड स्टेप क्या था गॉस थ्योरम का? हम लोग टोटल कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है उस क्लोज सरफेस के साथ, ये निकालते हैं, EDS, क्लोज इंटीग्रल EDS cos थीटा का कैलकुलेशन करते हैं।
थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, टोटल कितना चार्ज इनक्लोज है उस क्लोज सरफेस के अंदर, ये हम निकालते हैं, ठीक है, गॉसियन सरफेस के अंदर, क्योंकि क्लोज सरफेस हमारी वही है जिसको हम इमेजिन करेंगे, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के अंदर में टोटल कितना चार्ज है वो चार्ज काउंट करते हैं। उसके बाद चौथे स्टेप में गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ई निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वही काम हम करेंगे। तो ये हमारा इन्फिनिटली लॉन्ग एक शीट है जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये हमको निकालना है। अब आप ये जानते हो कि शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिज़ाइन जो है, वो कैसा होता है, किस तरह की बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे ये प्लेन शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से नॉर्मल निकलती हैं, ऐसे जैसे आप लोग टूथब्रश करते हो ना, या बूट पॉलिश करने वाला जो ब्रश आता है उसके ब्रिसल्स कैसे लगे होते हैं, सब ऐसे निकले रहते हैं, समझ आ रहा है। टूथब्रश जो आप लोग करते हो उसमें ब्रश कैसे निकला रहता है, ऐसे सब लगे रहते हैं। तो ये डिज़ाइन होती है यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ प्लेन शीट ऐसे, ये तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे चलेंगी, आंसर है ऐसे, ये समझ रहे हो, ये कैसे चल रही हैं, बोलो, ये ठीक है। दीज आर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये ऐसे चली, ये ऐसे प्लेन शीट रखा है, ऐसे निकलती हैं ब्रश जैसे सब के सब, ठीक है। पीछे की डायरेक्शन में भी सब ऐसे ही निकलेंगी, पीछे भी ऐसे, आगे भी ऐसे, समझ रहे हैं, इधर से भी ऐसे निकल रही हैं और इधर से भी ऐसे जा रही हैं जैसे ब्रश होता है आपका, समझ आया। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन को देखते हुए आपको एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है जहाँ पे ई और थीटा सेम हो। ई कैसे सेम होता है, जब आर सेम होता है, आर डिस्टेंस। तो यहाँ पर ऐसी डिज़ाइन में हमको कौन सा गॉसियन सरफेस इमेजिन करना चाहिए, क्लोज सरफेस। हाँ, तो बाय ट्रायल एरर सिलेंडर रख के हमने देखा, स्फीयर रख के हमने देखा, तो हमने लास्ट में किसको सेलेक्ट किया, सिलेंडर को। स्फीयर में नहीं आएगा बराबर, क्योंकि स्फीयर का सरफेस ऐसे होता है, तो एक जगह ये डिस्टेंस नज़दीक हो जाएगा ये, और एक जगह ये दूर हो जाएगा, आर छोटा आर बड़ा, तो ई छोटा बड़ा हो जाएगा, इसलिए स्फीयर नहीं लिया हमने। हमने कौन सा बनाया, एक सिलेंडर बनाया, क्लोज सरफेस सिलेंडर। और सिलेंडर की खासियत ये होगी कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो वाला पॉइंट उस सरफेस पर फंसना चाहिए, गॉसियन सरफेस पर होना चाहिए, यही तो हम पीछे के दो एप्लीकेशन में करके आ रहे हैं। तो अगर मुझे पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पॉइंट पी कहाँ पर फंसना चाहिए, गॉसियन सरफेस पर फंसना चाहिए, ठीक है। तो हमने एक सिलेंडर इमेजिन किया और उस सिलेंडर को इस शीट से हमने ऐसे पास कराया, बीच में होल करके, आधा उधर आधा इधर, समझ रहे, ये शीट है, यहाँ से एक सिलेंडर लिया, ये इसको पंचर किया यहाँ से, और पंचर करके आधा इधर आधा उधर डाल दिया, समझ रहे हैं। सिलेंडर लिए, ग्लास, और ये पेपर लिए, इमेजिन करो एक पन्ना है आपके हाथ में और ग्लास है जिसमें पानी पीते हो, और ऐसे इसको पंचर किए, यहाँ से काटे पन्ने को, आधा ग्लास उस पार चला गया, आधा इस पार है, बीच में पन्ना, इमेजिन हो रहा है, पन्ने के ठीक बीचों बीच आधा ग्लास इधर आधा ग्लास इधर और पन्ना बीच में, ठीक। तो ऐसे हमने एक सिलेंडर को यहाँ से बीच से पंचर किया, आधा उधर आधा इधर, और ये ऐसा डिज़ाइन कुछ बना, ये और ये पॉइंट कहाँ आएगा, इसकी फ्लैट सरफेस पर, समझ आ रहा है। ओके, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना है, आर, ये तो सेम डिस्टेंस हमने इधर भी लिया पीछे, ये इतना है, तो यहाँ भी हम इतना लेंगे, दिस इज द पॉइंट, ठीक है, समझ आ रहा है। ये सिलेंडर बीच से पंचर होके आधा उधर निकल गया पीछे की तरफ, आधा बाहर निकला है, आ रहा है, इमेजिन हो रहा है, डायग्राम से समझ में आ रहा है कैसे करना है। ओके, अब ये जो गॉसियन सरफेस हमने इमेजिन की है इसके तीन पार्ट हैं। पहले तो ये दो ठो फ्लैट सरफेस, प्लेन सरफेस इसको बोलेंगे या फ्लैट सरफेस। दोनों फ्लैट सरफेस की खासियत ये है कि शीट से जितने डिस्टेंस पर ये वाला फ्लैट सरफेस फंसता है, आर डिस्टेंस पर,
उतने ही डिस्टेंस पर इधर वाला फ्लैट सरफेस फंसता है, ठीक बीचों बीच रखें, समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि आर अगर यहाँ और यहाँ सेम होगा तो ई भी दोनों जगह कैसा हो जाएगा? सेम। डिस्टेंस अगर सेम है तो ई भी कैसा हो जाएगा? सेम। सो इफ दिस डिस्टेंस इज आर, सो दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो आर, तो यहाँ का ई और यहाँ का ई कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी होती है, यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो यहाँ हर जगह ई कैसा चल रहा है? ऐसा, ये, ये, इधर, और इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही है, ठीक है, हर जगह। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, दिख रहा है? अगर मैं फ्लैट सरफेस की बात करूँ ये, तो एरिया वेक्टर कैसा बनेगा? ये फ्लैट सरफेस ऐसा है, एरिया वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर बनेगा, यहाँ एरिया वेक्टर कैसा बनेगा? ऐसा, ए दिस इज एरिया वेक्टर, समझ आया? और फ्लैट सरफेस पर ई और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? फ्लैट सरफेस पर इसको मैं बोल रहा हूँ फ्लैट वन, और ये वाला कौन सा सरफेस? फ्लैट टू। यहाँ पर भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, ये, और एंगल कितना? जीरो डिग्री, ठीक है। ये सिलेंडर के दोनों फ्लैट सरफेस के बारे में हो गया। अब तीसरी सरफेस क्या बची? कर्व। कर्व सरफेस पर ई कितना? नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब ऐसे जा रहा है ये, और ये सरफेस ऐसी है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक हो रहा है? जीरो। तो पूरी कर्व सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सब ऐसे जा रहा है, कर्व सरफेस, समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? कि मॉडल दिखाऊं आपको मैं, समझ आ रहा है? ये इस तरह से कर्व सरफेस है और पूरी की पूरी ई ऐसे जा रही है, तो कर्व सरफेस के साथ कितना ई है? जीरो। और एरिया वेक्टर कर्व सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, कैसा परपेंडिकुलर? ये, इफ दिस इज द कर्व सरफेस, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर कैसा बनेगा? ये ऐसा, ठीक है, इससे बनाते हैं, दिस इज एरिया वेक्टर ए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। और जब ये ऐसे कर्व आएगा तो इस कर्व पर नॉर्मल जब आप बनाओगे तो कैसा दिखेगा? ये ऐसा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। तो हर जगह पूरी कर्व सरफेस पर एंगल कितना है? 90 डिग्री। ई कैसा है? जीरो। पूरी कर्व सरफेस पर लिंक नहीं होता, लिंक सिर्फ कहाँ हो रहा है? दो फ्लैट सरफेस पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस सिचुएशन को नोट करेंगे और चारों स्टेप्स लगाएंगे गॉस थ्योरम के, ठीक है, चलो ये नोट करते हैं। सो दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट पॉइंट ऑफ गॉस थ्योरम। क्या करना है? पहला पॉइंट बोलिए, पढ़ के देखिए। कंसीडर ए गॉसियन सरफेस इन द शेप ऑफ ए क्लोज सिलेंडर हुज एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट। सिलेंडर की एक्सिस प्लेन शीट पर क्या है? नॉर्मल, परपेंडिकुलर। ओके, पी कहाँ फंसना चाहिए? गॉसियन सरफेस पर, तो गॉसियन सरफेस पर ही पी फंसा है, फ्लैट सरफेस पर। पी लाइज एट द सरफेस एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द शीट। ओके, अब हम इस गॉसियन सरफेस पर जो हमने इमेजिन किया है, इस गॉसियन सरफेस की सिमेट्री बताएंगे, यानी ई और थीटा की सिमेट्री। तो फ्लैट सरफेस पर ई और फ्लैट सरफेस पर थीटा, और कर्व सरफेस पर ई और कर्व सरफेस पर थीटा कितना कितना है? देखिए, E at every point of a flat surface is same. ये वाला flat surface हो flat 1 या ये वाला flat surface हो flat 2, ये भी r distance पर है, ये भी r distance पर है, distance same है, तो दोनों तरफ E कैसा होगा? दोनों surface में same. तो E at every point of flat surface is same. ठीक है, और curve surface पर ये zero, क्योंकि पूरा पूरा E तो ऐसे जा रहा है, curve surface के साथ कोई link ही नहीं हो रहा, तो curve surface पर zero होगा. थीटा यहाँ मैंने दोनों flat surface पर आपको बताया zero zero, ठीक है, और कर्व सरफेस पर कितना होगा? हर जगह 90 डिग्री होगा, कहीं पर भी बनाओ, नीचे भी बनाओगे एरिया वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो हर जगह कर्व सरफेस पर थीटा कितना है? 90 डिग्री। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉस थ्योरम एंड सिमेट्री ऑफ ई एंड थीटा। सेकंड पॉइंट क्या होता है हमारा, यहाँ लिख रहा हूँ ना सेकंड पॉइंट में, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ गॉसियन सरफेस कितना? क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी एस
एंड दिस इज इक्वल टू, अब ये जो ई डी एस है ये कैसे कैलकुलेट होगा? आंसर है दिस इज ए क्लोज सरफेस और इसके हमने तीन पार्ट किए हैं, तो इसको हम तीन पार्ट में तोड़ के इसका फ्लक्स निकालेंगे। पहला कर्व, कर्व के लिए मुझे लिखना है ई डी एस कॉस थीटा। कर्व के लिए थीटा कितना, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ मैं 90 प्लस। दूसरा फ्लैट वन ई डी एस कॉस, फ्लैट के लिए एंगल ज़ीरो, ठीक है, प्लस फ्लैट टू ई डी एस कॉस ज़ीरो डिग्री, कॉस 90 ज़ीरो, तो ये पूरा ही ज़ीरो हो गया। तो फ्लक्स सिर्फ किसकी वजह से बनेगा, फ्लैट वन फ्लैट टू, ओके। ई हमने यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम बनाया है, तो यहाँ से मैं ई बाहर ले लूँगा, कॉस ज़ीरो तो वन हो जाएगा, वो तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, ई बाहर निकल गया, ई बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होना है, डी एस का। डी एस क्या चीज़ है, ये फ्लैट सरफेस की बात हो रही है, तो जब ये फ्लैट सरफेस का छोटा 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 डी एस जुड़ेगा तो यही वाला एरिया बनेगा ना, ये पूरा, और ये एरिया कैसा रहता है, सर्कुलर, सर्कल। तो ये कौन सा एरिया बना, सर्कल, पाई आर स्क्वायर जो भी इसका रेडियस होगा इस सर्कल का, यहाँ फ्लैट सरफेस का ये वाला रेडियस जो भी होगा वही इसका एरिया दे देगा, एरिया ऑफ सर्कल। मैं हमको उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो हमारे फाइनल एक्सप्रेशन में कट जाता है, इसलिए मैं उसको लिखूंगा भी नहीं, मैं इसको कुछ भी मान लूंगा। लेट अस सपोज द एरिया ऑफ दिस फ्लैट सरफेस इज एस, एरिया कितना है एस, तो इसका भी एरिया कितना एस, क्योंकि ये एरिया भी कितना एस, सब तो बराबर ही है, ठीक है, ओके। इसका कुछ भी आता होगा, पाई आर स्क्वायर जो भी एरिया, मैं उसको क्या लिख रहा हूँ एस। तो ये ई बाहर चला गया, सिर्फ डी एस का इंटीग्रेशन हुआ, तो डी एस का इंटीग्रेशन क्या देगा आपको, टोटल एरिया इस फ्लैट सरफेस का, और वो कितना है एस, तो इसका इंटीग्रेशन एस, इसका इंटीग्रेशन एस, दिस इज ई एस, ई बाहर निकल गया, डी एस का इंटीग्रेशन एस। सिमिलरली यहाँ से भी ई बाहर निकला और डी एस का इंटीग्रेशन एस, ये टोटल कितना आ गया 2ES, S कितना है पाई आर स्क्वायर, हमको भी कोई लेना देना नहीं उससे कितना है, ठीक है जी। ये हो गया सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या बोलता है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड Q, बताइए कितना चार्ज। अब चूंकि हमने स्टार्टिंग में बात की थी ये शीट कैसा है, इन्फिनिटली लॉन्ग, तो हम इसका टोटल चार्ज तो काउंट कर नहीं सकते, तो अब ये एरिया है इसलिए हम कहाँ का चार्ज कैलकुलेट करेंगे, ओनली 1 मीटर स्क्वायर एरिया का, और पर मीटर स्क्वायर एरिया पर जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, एरियल चार्ज डेंसिटी, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। तो इसकी एरियल चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा, तो यहाँ आप कहीं डिस्क्रिप्शन में ऊपर ये भी शामिल कर लीजिएगा ना, कहीं पर लिख लेना प्लेन शीट का एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, कहीं पर भी लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिग्मा इज व्हाट, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा, ठीक है। तो कितना चार्ज होगा, कौन सा चार्ज हम कंसीडर करते हैं, जो गॉसियन सरफेस के अंदर होता है या बाहर होता है, अंदर। गॉसियन सरफेस कहाँ से गई है, ये ऐसे पंचर करके निकल गई है, क्या ये चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है, काउंट होगा, ये चार्ज जो बाहर हैं ये काउंट होंगे क्या, इन्फिनिटली जहाँ भी चार्ज होगा, इधर जहाँ भी चार्ज होगा, गिनना है क्या, कौन सा चार्ज गिनना है, जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है ना, यानी ये वाले चार्जेस जो इस सरफेस के अंदर आएंगे, ये खाली यही चार्ज काउंट किया जाएगा, यही है गॉस थ्योरम का नियम, इनक्लोज चार्ज आपको काउंट करना है। अब ये चार्ज कितना, तो हमको नहीं पता कितना, लेकिन हमको ये तो पता है कि इसका एरिया कितना है एस, तो इसका एरिया भी कितना है एस। अब 1 यूनिट एरिया में कितना चार्ज, 1 सिग्मा, तो एस यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा, एस सिग्मा, तो टोटल चार्ज आ गया इनक्लोज जो भी इसके अंदर आएगा, तो इसको क्या लिखना है, एस सिग्मा, ठीक है। चौथा स्टेप, अप्लाई गॉस थ्योरम एंड पुटिंग वैल्यूज, गॉस थ्योरम इज क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यू पुट करो, बताइए लेफ्ट हैंड साइड कितनी वैल्यू आई थी, 2ES, RHS, Q की वैल्यू
सिग्मा इंटू एस, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस दोनों तरफ कैंसिल हो गया, इसीलिए उसकी वैल्यू हमने नोट नहीं की थी, नहीं तो उसको पाई आर स्क्वायर लिखते, ठीक है। अब हमारे पास ई बचा, टू को उधर भेजो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा अल्टीमेट एक्सप्रेशन बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, वो आप जान ही रहे हैं कैसे चलता है, प्लेन शीट का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। हाँ जी, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए कौन कौन सी क्वांटिटी आई, और इसको ध्यान से समझिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आगे के चैप्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, समझ आया, सेकंड चैप्टर के लिए। हाँ, क्या है ये चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी, एक यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, ये तो कांस्टेंट है, एक टू आया, इसमें कोई आर नहीं आया, कोई रेडियस नहीं आया, रेडियस नहीं आया, रेडियस नहीं बोलना चाहिए, डिस्टेंस आर, कोई आर नहीं आया, इसका क्या मतलब है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आर पर डिपेंड नहीं करता, समझ आया। अभी तक हम जितने फील्ड पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं कि अगर हम आर यहाँ तक रहेंगे, कम रहेगा डिस्टेंस तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग रहेगा, बढ़ा दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा। जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़े अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हर एक में यही हो रहा था, आर आता ही था इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन इकलौता ये एक ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना, अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 10 यूनिट, कितना आया 10, तो मैं आपसे यहां पूछूंगा कितना, तो यहां भी कितना होगा 10 यूनिट, यहां पूछूंगा यहां भी कितना होगा 10, जबकि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, ज़्यादा हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसके अंदर उसकी इंटेंसिटी हर जगह कैसी होती है, सेम होती है, और उसका रीज़न भी है, देखिए रीज़न ये है, सपोज दिस इज प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है, और ये हम कैसा ले रहे हैं, ये कितना लंबा है, इन्फिनिटली लॉन्ग, छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे ये ठीक है, ऐसे निकल रही है। अब हमने कहा एक रिंग लो और थोड़ी सी क्राउडिंग चेक करो कहाँ की इंटेंसिटी कैसी है, ठीक है, आ रहा। अब ये मूर्ति क्यों नहीं है, ऐसे आगे जाके इनको तो फैल जाना चाहिए, ये इसलिए नहीं मुड़ती क्योंकि ये शीट ऊपर बहुत बड़ा है, नीचे बहुत बड़ा है, और एक लाइन जब चलती है तो उसके ऊपर भी एक लाइन होती है जो नीचे वाली लाइन को नीचे दबाती है, और इसके नीचे भी एक लाइन होती है जो ऊपर वाली लाइन को ऊपर दबाती है, तो दो लाइन के बीच में एक लाइन है, ऊपर वाली इसको नीचे दबाती है, नीचे वाली ऊपर, तो बीच वाली को कैसा चलना पड़ता है, सीधा, समझ आया। ये मुड़ना तो चाहती है कि मैं आगे जाके मुड़ जाऊँ कहीं, ठीक है, लेकिन मुड़ नहीं पाती, क्यों, ये ऊपर वाला इसको रिपल करता है, ये नीचे वाला इसको रिपल करता है, तो इसको कैसे चलना पड़ता है, और हर लाइन के ऊपर नीचे लाइनें हैं इसलिए सब कैसी चलती हैं, सीधी, क्यों, क्योंकि ये बहुत ऊपर है, बहुत बड़ा शीट है, नीचे भी बहुत बड़ा शीट है, तो पूरी लाइनें बीच में, हम इसके एंड पॉइंट तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, अगर मैं एंड तक पहुँच जाता, ये इन्फिनिटली लॉन्ग नहीं होता, तो यहाँ वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलेगी वो कैसी हो जाएगी, ये समझ आ रहा है, ये ऐसे, ठीक है, क्रॉस नहीं होंगी इस तरह से, और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं अपन, कर्लिंग इफेक्ट, तो कर्लिंग आ जाएगा अगर आपको कॉर्नर दिखेगा तो, लेकिन हम जानबूझ इसको क्या ले रहे हैं, इन्फिनिटली लॉन्ग, तो हमको कॉर्नर से कोई मतलब नहीं, कर्लिंग से कोई मतलब नहीं, हम जहाँ भी रहेंगे हर जगह हमको कैसा मिलेगा लाइन, कैसा मिलेगा, सेम स्ट्रेंथ, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, क्या होता है ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक रिंग लीजिए, क्राउडिंग चेक कीजिए, मैंने कहा यहाँ पे रिंग रखो तो आपने बोला ठीक है, ये हमने रिंग रखा, कितनी लाइनें आ गई, दो, सेम रिंग उठाओ कहीं पर भी रखो, यहाँ रखो, कितनी लाइनें आ गई, सेम रिंग, ठीक है, उतना ही बड़ा, ऐसे दो, यहाँ रखो दो, यहाँ रखो दो, यहाँ रखो दो, वही रिंग हम जगह जगह रख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं क्राउडिंग कितनी है, टू, इसका मतलब है हर जगह इसकी इंटेंसिटी कितनी है, यहाँ एक मीटर दूर हमने इसको चेक किया या 10 सेंटीमीटर दूर चेक किया, दो लाइनें आई, जो इंटेंसिटी यहाँ है इसको उठा के 20 सेंटीमीटर दूर जाके फिर से चेक किया, फिर कितनी लाइनें आई, दो लाइन, मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ भी है,
है ना, जबकि हम ये डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क नहीं आ रहा। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा, रीजन समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि लाइनें मुड़ती नहीं है। क्यों नहीं मुड़ती? क्योंकि इन्फिनिटली लॉन्ग होता है, बहुत सारी लाइनें होती हैं, सब एक दूसरे को दबाती हैं, तो सब सीधे चलती हैं, इसलिए हर जगह का गैप मेंटेन रहता है। आया ये रीज़न समझ आया? ये एक्चुअल रीज़न है, बाद में मैथमेटिकल रीज़न तो हमको दिख ही रहा है कि आर है नहीं हमारे फॉर्मूले में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, ये मैथमेटिकल रीज़न हो गया। और एक्चुअल प्रैक्टिकल रीज़न क्या है, ये यहाँ पर जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आया समझ में ये चीज़ या नहीं आया? आया बोलिए, क्या आया, क्या आया समझ में? हाँ, तो यहाँ आप इसमें नोट कीजिए, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, आर यानी डिस्टेंस। ठीक है, हो गया, एक्चुअल रीजन समझ में आया इसका और मैथमेटिकल रीजन समझ में आया। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो यहाँ भी सेम मिलता है, यहाँ भी सेम मिलता है, यहाँ भी सेम मिलता है, वहाँ भी सेम मिलता है, ये कितना होता है? तो इसका सबसे सिंपल कैलकुलेशन हमने क्या बनाया, ये तो कांस्टेंट है, ई कौन है, सिग्मा, और सिग्मा क्या है, इस प्लेन शीट में एक यूनिट एरिया में जितना चार्ज है, उसी चार्ज के कैलकुलेशन को क्या बोल देना है, ई की वैल्यू। समझ आया? आप प्लेट लीजिए इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज प्लेट, और उसमें क्या चेक कीजिए, वन यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, मिल गया चार्ज, नाप सकते हैं, भाई पूरी प्लेट का चार्ज तो नहीं निकाल सकते, लेकिन वन यूनिट एरिया, वन मीटर स्क्वायर एरिया में जितना चार्ज है उसको नाप लिए, वही क्या है हर जगह, ई की वैल्यू। तो ई का कैलकुलेशन कितना सिंपल हमने रखा, प्लेट में ही क्या देख लो, वन यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, वही चार्ज किसकी वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है। समझ आ गया? ओके, सो गो फॉर द वेरिएशंस, थोड़े से स्पेशल केसेस लेते हैं इसमें। स्पेशल केस ये है कि हमको ये प्रैक्टिकल ये बताता है कि किसी भी शीट की वजह से, किसी भी डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे चार्ज शीट की वजह से, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलना चाहिए, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, लेकिन कभी भी इतना मिलता नहीं है। जब हम एक्चुअली देखते हैं, नापते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इतना नहीं मिलता। कितना मिलता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जस्ट इसका टू टाइम, डबल, ये हाफ है ना, वन अपॉन टू, और इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जस्ट डबल हुआ इससे, आ रहा है समझ, टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे वाला टू कैंसिल हो जाएगा उस टू से, तो क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम जब भी कोई शीट लेते हैं और उसको चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करते हैं, तो हमको ये नहीं मिलता जो हमारा ये स्टोरी बताता है, इसका डेरिवेशन जो रिजल्ट देता है, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलता। कितना मिलता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इससे डबल मिलता है जस्ट, क्यों? ठीक है, इसका रीज़न ये है, ध्यान से समझिएगा, कि मैं कोई भी पेपर ले लूँ, कोई भी पन्ना ले लूँ, उसको पतला करते 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 इतना पतला मैं नहीं कर सकता कि सिंगल सरफेस बच जाए, सिंगल मॉलिक्यूल बच जाए। हमेशा कितना भी पतला पेपर लीजिए, कितना भी पतला शीट लीजिए, हमेशा उसके पास दो सरफेस होंगी। कितनी? जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते ही हैं, हेड और टेल, आप उसको कितना भी पतला कीजिए, लेकिन एक को हेड बोलोगे ही, एक को टेल बोलोगे ही, दो पहलू होंगे ही। इसीलिए पेपर को कितना भी पतला करो, मेटल की शीट को कितना भी पतला करो, कभी भी आप सिंगल लेयर नहीं बना सकते। जब भी बनेगा उसमें कम से कम कितनी लेयर रहेंगी, दो, और दो सरफेस रहेंगी तो चार्ज इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, और इसके पास थोड़ी सी थिकनेस भी रहेगी, मोटाई, भले कितना भी पतला पेपर आप करो लेकिन थोड़ी सी थिकनेस रहती ही है। तो उसको हम कितने सरफेस मानते हैं, दो सरफेस, सिंगल नहीं। और ये जो फॉर्मूला हमको बताता है, ये किसके लिए है, सिंगल सरफेस के लिए। सिंगल सरफेस की वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इधर चार्ज है, ये सिंगल चार्ज, ये वाली सरफेस को मैं बोल रहा हूँ, पहली लेयर, फर्स्ट सरफेस, इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये दूसरी सरफेस है, इधर भी चार्ज रहेंगे, इधर का चार्ज अलग, इधर का चार्ज अलग, ये वाले चार्ज भी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, कितना, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो वहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, दोनों का सम, दोनों जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, टू टाइम, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसलिए जब भी प्रैक्टिकल करते हैं, कितना मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डबल, समझ गए। और इसका रीज़न ये है कि आप कभी भी कोई शीट क्या नहीं कर सकते, इतना पतला नहीं बना सकते कि आप उसको एक लेयर मान लो, सिंगल लेयर। जब भी बनाओगे उसमें हमेशा दो सरफेस होंगी, ये एक सरफेस में चार्ज आ गए और इधर दूसरी सरफेस में चार्ज आ गए। ये पहला चार्ज
कहीं पर भी r से तो कोई लेना देना नहीं है, r डिस्टेंस। तो सपोज यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस पहली सरफेस की वजह से बनाया, तो ये पहली सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिंगल सरफेस की वजह से। ये दूसरी सरफेस में जो चार्ज हैं इसकी वजह से भी यहीं पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, आंसर है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब आप दोनों का नेट टोटल देखोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सम आएगा, और दोनों का सम आप जब करोगे तो ये कितना मिलता है, इतना। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मिलता है, दोनों सरफेस के चार्ज काउंट हो जाते हैं, समझ आया। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम इसमें थोड़े से स्पेशल केसेस लेते हैं कि जब हम दो सेम टाइप के चार्ज, सेम टाइप के प्लेट रखते हैं आमने सामने, तो उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसके अलग अलग लोकेशन पर, ठीक है। या दो अपोजिट चार्ज के प्लेट रखते हैं आमने सामने ऐसे, तो उसकी वजह से अलग अलग लोकेशन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, एंड दैट विल बी स्पेशल केस ऑफ दिस सिचुएशन। तो ये नोट करें आप। स्पेशल केसेस, ठीक है। पहला मैं ले रहा हूँ सिमिलर चार्ज के लिए, टू प्लेट्स ऑफ सिमिलर चार्ज, ध्यान से समझिए ना। ये एक सरफेस बनाया, ये, ठीक है। अभी हम सिंगल सरफेस ले रहे हैं जिसका हमने डेरिवेशन किया है। हम ये मान के चलेंगे हमारा शीट कैसा है, एक सरफेस वाला जिसका डेरिवेशन आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये दूसरा प्लेट ले आए, दोनों को कैसा चार्ज देना है, सेम। तो इसको अगर मैं पॉजिटिव चार्ज देता हूँ तो इसको भी कौन सा चार्ज दूंगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब डिस्टेंस का तो कोई रोल रहता नहीं यहाँ, तो इसको हम यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं भी रखें, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ना हम तीन जगह देखेंगे, एक है ये आउटसाइड, ये है विद इन द प्लेट, दोनों प्लेट के बीच का एरिया, ये आउटसाइड और ये भी आउटसाइड। अब ये इसको लेफ्ट बोलेंगे, इसको राइट बोलेंगे। सो दिस इज राइट आउटसाइड एंड दिस इज लेफ्ट आउटसाइड, और ये बीच वाला विद इन द प्लेट, ठीक है। और तीनों जगह हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे अलग अलग, ठीक है, ओके। ये दोनों प्लेट जो मैं लेके आऊँगा, दोनों प्लेट की कुछ ना कुछ चार्ज डेंसिटी होगी, एरियल चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी पर डिपेंड करता है ना, सिग्मा पर। जो प्लेट का सिग्मा होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका हर जगह, समझ आया। ये मैं जो बोल रहा हूँ बहुत बड़ी चीज़ बोल रहा हूँ, आपको हल्का लगे भले, ठीक है। प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कितना होता है, सिग्मा के बराबर, क्योंकि 1/2 एप्सिलॉन नॉट तो कॉन्स्टेंट है, तो मेन वो किस पर डिपेंड कर रहा है, सिग्मा। जितना सिग्मा होगा वही ई होगा, ठीक है। हाँ, उसको हम 2 एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड ज़रूर करेंगे तभी ई बनेगा, लेकिन मेन फैक्टर कौन है, सिग्मा। तो ये हो सकता है कि मैं जो दो प्लेट लेके आ रहा हूँ, हो सकता है दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम हो, या हो सकता है दोनों की चार्ज डेंसिटी अलग अलग हो, समझ रहे हैं ना। एक यूनिट एरिया में इसमें ज़्यादा चार्ज आते हैं, इसमें कम आते होंगे, अलग अलग नेचर का प्लेट है, भले दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हुआ। तो चार्ज डेंसिटी सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। अभी हम मान के चलेंगे दोनों अलग अलग हैं और सेम की भी बना लेंगे उसी में। तो सपोज इसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 और इसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2, अलग अलग, समझ आ रहा है ये चार्ज डेंसिटी क्या चीज़ है, ओके। पहले आते हैं आउटसाइड, तो पहले प्लेट की वजह से, दिस इज फर्स्ट प्लेट 1 लिखा है, सेकंड प्लेट 2 लिखा है, ठीक है। फर्स्ट प्लेट की वजह से लेफ्ट साइड में आउटसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 पहले प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप थोड़ा सा डायरेक्शन देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी, ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर यहाँ बनवा रहा हूँ तो डायरेक्शन ऐसी होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाली डायरेक्शन को मैं निगेटिव बोलता हूँ और इसको positive. या इसको निगेटिव बोलूँगा तो इसको पॉजिटिव, किसी को। और हमारा मैथ्स का कन्वेंशन ये बोलता है कि ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो इसको क्या मानना है, तो ये मैंने लगा दिया निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ आया, ओके। ये अभी पहले प्लेट की वजह से यहाँ पर बनाया, अब यहीं पर लेफ्ट आउटसाइड में दूसरे प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहीं पर, ये भी प्लस चार्ज है तो इसका डायरेक्शन भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर प्लस से निकलती है लाइन है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ई ड्यू टू सेकंड प्लेट, दिस इज द सेम डायरेक्शन, सो दिस इज ऑल्सो निगेटिव सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये सिग्मा कितना है इसका, 2, तो इसको मुझे क्या लिखना चाहिए, और इस सिग्मा को 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ,
दिस इज आउट लेफ्ट, आउटसाइड लेफ्ट. बताइए ई वन कितना आया? या मैं टोटल लिखता हूँ इसका ना, टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, दिस प्लस दिस लिख दूँ. टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट की वजह से लेफ्ट तरफ आउटसाइड में कितना बनता है, तो हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे ई वन प्लस ई टू. तो दिस इज ई वन प्लस ई टू. बताइए कितना करना है? ये और ये मैं जोड़ूंगा. देखो सेम सेम क्या चीज़ है इसमें, वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और माइनस माइनस, यानी माइनस वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन. तो ये हमने निकाल लिया कॉमन, माइनस वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. बताइए यहाँ क्या बचा? सिग्मा वन. यहाँ क्या बचा? हाँ माइनस साइन कॉमन ले लिया हूँ तो दोनों प्लस आएगा, माइनस जब अंदर जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा. समझ आ रहा है? ये बना. तो ये होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? है ना, दोनों चार्ज प्लेट का चार्ज डेंसिटी अलग अलग है, सिग्मा वन सिग्मा टू. अब सोचिए अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता? यहाँ पर दोनों की डेंसिटी अगर सिग्मा सिग्मा होती, सेम होती, तो मैं यहाँ क्या पुट कर देता? सिग्मा सिग्मा कितना हो गया? टू सिग्मा, ये टू टू कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या आया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हमारा वो रिजल्ट था, ठीक है? तो सपोज कीजिए इफ़ दोनों प्लेट की चार्ज डेंसिटी सेम हो गई सिग्मा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना आ जाएगा? दिस इज सिग्मा प्लस सिग्मा, टू सिग्मा, टू टू कैंसिल, ओनली सिग्मा अपॉन, हाँ लेकिन कैसा? निगेटिव. समझ आ रहा है? ये सिचुएशन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है ना. दिस इज द स्पेशल केस आउटसाइड ऑन द लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक. ओके नेक्स्ट हम आते हैं विद इन द प्लेट. विद इन ठीक है, इस प्लेट की वजह से बीच में बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. देखिए दिस इज द चार्ज प्लेट, पॉजिटिव चार्ज प्लेट, इसकी वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? ई वन. बताइए ये प्लस है और मैं यहाँ पूछ रहा हूँ तो प्लस से लाइन निकलती है, ये डायरेक्शन हुआ. डायरेक्शन समझ आ रहा है? प्लस से निकलता है लाइन, मैं यहाँ उंगली रख रहा हूँ तो यही लाइन लेके आओगे, तो ये डायरेक्शन हो गई. और इस डायरेक्शन को क्या बोलना है? पॉजिटिव. कितना बनता है? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा वन ना, सिग्मा वन, ये ठीक है. ओके सेकंड प्लेट की वजह से यही कितना बनेगा? इसकी डायरेक्शन ये होगी नेगेटिव, सो दिस इज ई टू माइनस सिग्मा टू अपॉन, समझ आ रहा है? ये समझ लेना ना, माइनस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. तो नेट कितना हुआ? देखिए दिस इज प्लस सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा वन टू टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों जोड़िए. सिग्मा वन सिग्मा टू अलग अलग अभी हैं, ठीक है, इसलिए ऐड होंगे. कॉमन क्या निकला? और यहाँ क्या बचेगा? सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, ठीक है, आएगा नेट ये. अगर अलग अलग चार्ज डेंसिटी है तो भाई एक से दूसरे को माइनस करना पड़ेगा आपको, जो नेट बचेगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, है ना. लेकिन अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम हो जाए ये, तो यहाँ भी सिग्मा सिग्मा माइनस सिग्मा जीरो, सेम सेम नंबर माइनस करोगे जीरो ही हो जाएगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा बीच में, ठीक है. तो जब दो सेम चार्ज डेंसिटी वाले प्लेट आमने सामने रखे जाते हैं, सेम सेम चार्ज और दोनों की चार्ज डेंसिटी भी कैसी? सेम, तो उसके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? जीरो. आया समझ? हाँ जी. आउटसाइड इधर का केस लो, ये वाला राइट. चलिए पहले प्लेट से बनाते हैं. पहले प्लेट की वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? ई वन. ये दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन. कौन सी डायरेक्शन है ये? पॉजिटिव. सो दिस इज प्लस सिग्मा वन अपॉन ये. सेकंड प्लेट की वजह से भी सेम डायरेक्शन, प्लस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. नेट कितना हुआ? दोनों जोड़ दीजिए, दोनों पॉजिटिव हैं तो वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू. और यदि दोनों प्लेट का चार्ज डेंसिटी सेम ले लें तो ये सिग्मा प्लस सिग्मा टू टू कैंसल, ओनली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा.
और ये पॉजिटिव होगा। इधर वाला कैसा आ रहा था? निगेटिव। इधर वाला कैसा आया? पॉजिटिव। याद रहेगा ये कुछ कुछ कि नहीं रहेगा? देखिए, अगर दो सिमिलर चार्ज वाले प्लेट लिए, सेम सेम चार्ज, चाहे माइनस माइनस चाहे प्लस प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगा? बीच में, आउटसाइड आउटसाइड रहेगा। इधर कितना रहेगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इधर कितना रहेगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इधर माइनस, इधर प्लस। समझ आया? दूसरा केस लेते हैं, जब अपोजिट चार्ज वाले दो प्लेट आमने सामने आते हैं, ठीक है? अपोजिट चार्जेस, ओके। दिस इज वन प्लेट, दिस इज अनदर प्लेट, दिस हैज गॉट पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, ठीक है? इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा वन है, इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा टू है, क्योंकि हम उसको फिर बना लेंगे, सिग्मा सेम कर लेंगे, ओके। दिस इज आउटसाइड लेफ्ट विद इन द प्लेट एंड राइट राइट साइड, ठीक है? पहले इसका बताओ, चलिए, इसकी वजह से यहाँ पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? पहली प्लेट की वजह से कितना आया? ई वन। दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन, माइनस सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये ठीक है, और इस प्लेट की वजह से यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है? अंदर जाता है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये वाली। तो इस डायरेक्शन को क्या बोलना? पॉजिटिव। आ रहा है समझ में? कैसे देख रही हो? हैं, क्या बता रहे हैं, है ना? तो माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करती हैं, तो ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है? तो कितना होगा, क्योंकि डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर भी कितना बनाएगा वो? दिस इज ई ड्यू टू ट्यू प्लस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? तो नेट कितना हुआ? एक प्लस एक माइनस, तो प्लस वाला मैं पहले लिख लूँगा, कॉमन क्या निकाल लूँ? वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, पहले इसको लिख लूँ सिग्मा टू, माइनस वाला ये है सिग्मा वन, ठीक है? आ रहा समझ? दोनों ऐड कर रहा हूँ ना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जुड़ेगा तो माइनस ही होगा, सिग्मा टू माइनस सिग्मा वन। और अगर दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम हो जाए तो सिग्मा माइनस सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा कितना हो गया? ज़ीरो। तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? ज़ीरो, ठीक है? हाँ जी, विद इन का बताओ, बीच का। देखो, इसकी वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? ई वन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, दिस इज प्लस सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से नेगेटिव प्लेट की वजह से भी यही डायरेक्शन होगी, क्योंकि नेगेटिव में जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पर भी आपका ई टू कितना हो जाएगा? प्लस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों जुड़ जाएंगे विद इन द प्लेट, ई नेट वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू जुड़ेंगे। आ रहा है समझिए? कि नहीं आ रहा? और दोनों अगर सेम हो जाएं, ये तो क्या होगा? सिग्मा प्लस सिग्मा टू सिग्मा, टू टू कैंसल, तो हाँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव ना, पॉजिटिव, ओके। आउटसाइड इधर बताओ, देखो पहले प्लेट की वजह से यहाँ पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना? E1 इज इक्वल टू प्लस सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? उधर जाएगा कि इधर आएगा? उधर जाएगा। क्यों जाएगा जी? माइनस से निकलता है क्या? तो किधर होगा ये एरो? माइनस में एंटर करता है। दिस इज द डायरेक्शन, ये ठीक है? हाँ, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलना है? निगेटिव। सो दिस इज माइनस सिग्मा टू अपॉन ये। हाँ जी बताइए। आउटसाइड ऑन द राइट डायरेक्शन,
कितना आया नेट, वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा वन पॉजिटिव है सो दिस इज सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, इतना आएगा ठीक है। और यहाँ क्या था, सिग्मा टू माइनस सिग्मा वन, ठीक है ओके दोनों सेम हो गए चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा माइनस सिग्मा जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है ये सेकंड वाला, जब हम दो अपोजिट चार्ज प्लेट आमने सामने रखते हैं, और ये अगले चैप्टर में आएगा और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बनेगा। कौन सा टॉपिक, कैपेसिटर, ये इसी से कैपेसिटर बनता है। और देखिए एक प्लस प्लेट एक माइनस प्लेट जब आमने सामने आते हैं तो उनके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और वहाँ जब हम आपसे पूछेंगे कि बताओ इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आप कहोगे ये कैसे आया, है ना, तो ऐसा नहीं बोलना है ना, कैसे आता है उसका डेरिवेशन हम कर चुके, ये उसका रिजल्ट हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। और दो चार्ज प्लेट पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इधर बाहर और इधर बाहर, कितना होता है, जीरो, अगर हम सेम डेंसिटी वाले दो प्लेट लें तो, ठीक है। अलग अलग डेंसिटी लेंगे तो फिर कुछ ना कुछ बन जाएगा रिजल्टेंट की वजह से, ठीक है, याद रहेगा। तो ये हमारा स्पेशल केस है, याद रखिएगा, बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये इसका रिजल्ट है। और इसी से आगे कैपेसिटर बनना है और आपको इसको पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। और इसी में, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होगी, तो एनर्जी में फिर से ये आ जाएगा क्योंकि कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है कहाँ होती है, बीच में तो हवा रहता है, कुछ रहता नहीं, तो एनर्जी किसके पास स्टोर होती है, तो आंसर है बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है, आया समझ। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इतना, ठीक, आगे हम पढ़ेंगे। सो यही तक हमारा ये पोर्शन है, इस साल आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, इससे ज़्यादा कोई एप्लीकेशन नहीं करना क्योंकि एग्ज़ाम में इस साल नहीं पूछा जाएगा 21-22 के लिए। तो हमारा पहला चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है, ठीक है। तो जो आपको लिस्ट मिली है उसमें आप एक्स्ट्रा चीज़ें जो है कट कर देंगे। अब हम लोग जस्ट इसके बाद या तो कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स लेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, या सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें।